हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा हम लोग रांची गए हुए थे, तो अभी हम लोग जस्ट रांची से लौट ही रहे थे और हम लोग को सामने में एक वाटरफॉल दिखा, तो हम लोग वाटरफॉल का टूर करवाते हैं अब। आई होप आपको रांची वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि उसमें सब कुछ था। जैसे बोले तो विधानसभा था, रांची का स्टेडियम था, लेकिन वो बाई चांस खुला हुआ नहीं था। पता नहीं क्यों नहीं खुला हुआ था, लेकिन गेट नंबर 5 तो एकदम ही नहीं खुला हुआ था, तो हम लोग अंदर गए नहीं। और हम लोग को देखने को मिला था एक जगन्नाथ मंदिर। तो अच्छा ब्लॉग था, अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो उसको शेयर कीजिएगा, और आई होप ये भी आपको उतना ही पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट वाटरफॉल के पास। गाइज, हम लोग अभी बाइक पार्क कर चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं तिरी फॉल। मतलब अभी बहुत नीचे है ये, आई थिंक 2 किलोमीटर नीचे है ना। नहीं पता, हम लोग आए हैं तिरी फॉल। यहाँ पे ना एक वाटरफॉल बहुत मस्त है, आपको यहीं से अंदाज़ा लग रहा होगा कितना मस्त। यहाँ से एकदम गोला गोल सीढ़ी है, गोलाकार में एकदम, और नीचे वाटरफॉल एक है, बड़ा है ना प्रिंस। वाटरफॉल जो है वो अच्छा खासा बड़ा है। यहाँ से आप लोग देख सकते क्या व्यू है भाई। चलिए तो चलते हैं। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा सीढ़ी है, और झरना का आवाज अगर आप अच्छे से सुनिएगा तो सुनाई दे रहा होगा, हमें तो सुनाई दे रहा है झरना का आवाज। चलिए तो नीचे चलते हैं डायरेक्ट, अभी हम लोग को बहुत नीचे जाना पड़ेगा। कितना सीढ़ी है प्रिंस यहाँ का? यहाँ सीढ़ी कितना आई है? 400 कुछ ना, मतलब 400-450 के बीच है सीढ़ी। कितना है ये कन्फर्म हमें भी नहीं पता। ये हम लोग रास्ते से घर जा रहे थे, मतलब रांची से घर जा रहे थे, तो हम लोग को ये रास्ते में मिला, तो फिर सोचे क्यों ना यहाँ भी घूम लिया जाए। और यहाँ घूमने के बाद, विजिट करने के बाद काफ़ी अच्छा नज़ारा मिल रहा है। एक काम कीजिएगा आप लोग ना, आप लोग मेरा हेयर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हेलमेट पहन करके पूरा हेयर मेरा ख़राब हो चुका है, इसके कारण मैं थोड़ा गजब दिख रहा हूँ, अजीब ना। तो इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग वीडियो में। ये रहा एक मिनी वाटरफॉल, आई थिंक मिनी से ज़्यादा ही बड़ा है। चलते डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं। अरे मिनी से ज़्यादा है। नीचे उतर गए, 400 कुछ सीढ़ी था, पता नहीं कंफर्म मेरे को। और ये रहा वाटरफॉल अपना। हम लोग अपने छोटे छोटे कदमों के साथ वाटरफॉल के ऊपर, मतलब चढ़ते ऊपर साइड चढ़ते हुए हम और प्रिंस।
नज़दीक से देखने का मज़ा ही कुछ अलग है, इसलिए हम लोग थोड़ा, आप लोग भी कभी विजिट कीजिए ना, खलारी राय या फिर और जगह पे जहाँ पे विजिट करना हो तो यहाँ से तिरुफल ना बहुत ही नज़दीक है। हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं भाई, देख सकते हो आप लोग इधर का कुछ व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू है इधर का। अभी हमें और ऊपर चढ़ना है, जो साउंड है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में, सुकून। अरे भाई ऊपर में एक और भैया हैं, देखो अगर दिख रहा होगा तो, ये देखिए यहाँ पे एक भैया है, पता नहीं क्या कर रहे ऊपर में। प्रिंस तो आराम से यहाँ बैठ गया है भाई, वाओ प्रिंस, व्हाट अ प्लेस भाई। हम लोग भी जा रहे हैं जूता उत्ता खोल के, थोड़ा पानी में भींगते हैं। ठंडा लग रहा है, तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए झरना के पास। ये देखिए झरना काफ़ी मतलब मस्त, एकदम ठंडा ठंडा पानी है यहाँ का। और अभी हम गए थे उधर, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, अगर फिसल गए तो डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा यहीं तक हैं। मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो गाइस ये है यहाँ का वाटरफॉल, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे, और यहाँ का जो लोकेशन है वो भी अच्छा। अब हम लोग चलते हैं आगे, गिर ना जाऊँगा, बस मेरे को बचना कि मैं गिर ना जाऊँ, अगर गिरूँगा तो डायरेक्ट नीचे, अगर गिर गया तो डायरेक्ट नीचे, इसलिए आराम आराम से करना है मेरे को। अच्छा तो ये है यहाँ का कुछ ऐसा व्यू, इधर प्रिंस अपना फोटो शूट पे लगा हुआ है। हम लोग वाटरफॉल घूम लिए, अब जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। हम लोग निकले थे घर से 10:30 बजे और अभी शाम के 4:30 बज चुका है, तो हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा शाम हो जाएगा। तो फिर अभी भी घर हमारे यहाँ से लगभग 20 या 22 किलोमीटर दूर है, तो हमें जाना पड़ेगा जल्दी। तो वो गिर रहा है उधर, धीरे धीरे अभी पानी में चल जाता है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, 450 सीढ़ी मायने रखता है। प्रिंस भी इधर थक चुका है, अभी हम लोग को और ऊपर जाना है।
पूरी तरह से थक गए, ऊपर से धूप है तो और ज़्यादा थक गए। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, सीढ़ी जो है ना राउंड है, गोल गोल सीढ़ी को घुमा दिया है, मतलब क्या ही घाटी बना दिया गया इसको, काफी ज्यादा थक गए चढ़ते चढ़ते, मतलब हालत खराब हो गया। और इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है ना, पूछो ही मत, मैंने तो डाइनिंग भी खोल दी, पीछे का आइसक्रीम वाला है, आइसक्रीम वाले भैया को बोलेंगे कि ठंडा ठंडा आइसक्रीम खिलाओ यार, काफी ज्यादा थक गए हैं। 450 सीढ़ी मायने रखता है भाई, 450 सीढ़ी चढ़ना फिर उतरना, सांस फूल चुकी है हमारी, तो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं डायरेक्ट अब। बस बस दो 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 दो, इससे महंगा नहीं लगते भैया। और कोई फ्लेवर है का? और कौन है? नहीं, एक और दे दो, दे दो। वो अंकल को जाके दे देता, हम आते आ रहे हैं, अंकल को दे करके आते आइसक्रीम, बेचारे धूप में बैठे हुए, लीजिए अंकल आइसक्रीम खाइए गर्मी के टाइम पे। आइसक्रीम मिल चुका है और हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। एक अंकल काफ़ी देर से, हम लोग जब जा रहे थे उसी टाइम दिखा थे तो वो धूप में थे, तो उनको भी आइसक्रीम एक दे दिए। आज ये था त्रिफॉल, ठीक है त्रिफॉल, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग को टाइम ज़्यादा हो चुका, हम लोग 10:30 बजे घर से निकले थे, फिर घर से रांची गए, रांची से फिर वापस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और अभी भी हम यहाँ से, हमारा घर जो है वो लगभग 20 या 22 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग को जल्दी से जाना पड़ेगा क्योंकि शाम का 5 बज चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इश